कल मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टीज के पेपर है ना वो। मगर वो रानी माँ, रानी माँ मारिया, रानी माँ रवि को बचा लो, पुलिस उसे मार रही है। कहाँ? पुलिस स्टेशन में, प्लीज उसे बचा लो मिस्टर माथुर। सर आप, तुम मुझे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता, आप तो हिंदुस्तान के जाने माने वकील हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये रवि का बेल ऑर्डर है, वो मुझे अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हौलदार रवि को लाओ, आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। ये तरीका है लोगों से इंकारी करने का? एक बात सुनो इंस्पेक्टर, सितारे आसमान पे ही नहीं बल्कि पुलिस के शोल्डर पे भी गर्दिश में आ जाते हैं। और अभी तेरी ये कुत्तों जैसी हरकत जाएगी नहीं, जहां लड़की देखी वहां राल टपकानी शुरू कर दी। ए, उस लड़की को टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी है? ये खाकी वर्दी पहन के तू समझता है तू जो चाहेगा करेगा? वो जो आदमी आया था ना वो तेरी तो क्या, वो तेरा साला अय्याश भैनोई पुलिस कमिश्नर है ना, उस तक की खाल उतार लेगा। सॉरी सर गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुमने। नॉनसेंस करण, ब्रदर तुम राजू से कहो कि रवि के पास उसकी तबीयत पूछने जाए, अगर वो नहीं गया तो उसे शक होगा, समझे? ओके ब्रदर। गलती हो गई। रवि ये सब कैसे हो गया यार? जो होना था हो गया, तू आना बैठ। आ तू कैसा है रे? मैं तो ठीक हूं। अच्छा ये बता मां कैसी है? मां भी ठीक है। अच्छा यार किसी चीज की जरूरत हो तो बता। तुमसे? सब कुछ तेरा ही तो है और जो दे दिया उसे वापस लेना कमजोर लोगों का काम है। मां कह रही थी कि उस पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ेगी। और तुम? हाँ मैं भी तो यही चाहता हूं। इसी सिलसिले में लॉयर से मीटिंग है, मैं चलूं? जाओ। वो मारिया ऐसे घूर कर देख रही थी मेरे को जैसे मैं राजू नहीं वाडेकर हूं। साला कुत्ता इंस्पेक्टर, जानता है तेरी वजह से मारिया मेरे पे शक कर रही है, पूछती है मैं क्या कर रहा था। इसीलिए तो कहता हूं कि रवि को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो औरत होगी जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। नहीं। हाँ तुम्हारा ऐश आराम धन दौलत सब कुछ छीन लेगी। नहीं, ये सब कुछ मेरा है और इसे कोई नहीं छीन सकता, मेरा है सब कुछ मेरा। क्या चाहिए? तुम्हारी मौत। किसने भेजा तुझे? बोल। राजू साहब ने, उन्होंने हमें पैसे दिए। ये रवि को, रवि मार डालो, मार डालो। राजू। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूं। थाना क्रॉसिंग रोड पे मैं तेरा आज इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास आज वक्त नहीं है। तू तो क्या तेरा बाप भी आएगा, समझे?
हेलो रवि, कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। जिंदा हूं। वैसे तुमने मुझे मारने की तो बहुत कोशिश की थी, मगर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्यों रवि, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? खुशफहमी हो गई थी, न जाने क्या समझ बैठा था तुझे। हमदर्द, हमराज, दोस्त, मगर तू तो कमजात निकला रे। तूने मुझे मारने की लाख कोशिश की थी ना, मगर मार नहीं सका। लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुझे एक मिनट में खत्म कर दूं, मगर नहीं। मेरी मां तेरा मुंह देखकर जीती है, तुम्हारी मौत मेरी मां की मौत होगी। रवि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। समझा तो तुझे मैं अब हूं राजू। तुम एक ऐसे घिनौने शख्स हो जिसके पैदा होने से पहले वो औरत जान गई थी कि वो एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दे रही है। इसलिए तो वो तुझे रास्ते पर छोड़कर चली गई। अरे बचपन गुजर गया तेरा अनाथालयों के ठोकरे खाते खाते। मैंने तुझे अपना एक दोस्त भाई समझकर अपनी धन दौलत गाड़ियां बंगले सब कुछ दे दिया जो कि मेरा मेरे बाप का है। अरे ये क्या, मैंने तुझे अपनी सबसे बड़ी दौलत अपनी मां, राजू अपनी मां तुझे दे दी। मगर अफसोस, तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। बस बस रवि, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा राजू। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी मां की कमजोरी का फायदा उठा के उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, मार डालूंगा तुम्हें। क्या उस औरत की तुफैल में मैंने तेरी जान बख्श दी जो कि मेरी मां है, मेरी। तुम एक ऐसे घिनौने शख्स हो जिसके पैदा होने से पहले वो औरत जान गई थी वो एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दे रही है। इसलिए तो वो तुझे रास्ते पर छोड़कर चली गई। अरे बचपन गुजर गया तेरा अनाथालयों के ठोकरे खाते खाते। मैंने तुझे अपना एक दोस्त भाई समझकर अपनी धन दौलत गाड़ियां बंगले सब कुछ दे दिया जो कि मेरा मेरे बाप का है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है। डॉक्टर, राज साहब के ग्रुप का खून हमारे पास खत्म हो चुका है रानी माँ। अगर 10 मिनट के अंदर खून नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मेरे राजू की जान बचा लीजिए, चाहिए तो मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे राजू की जान बचाइए। रवि माजी, रवि ये सब, रवि मेरा राजू मौत के मुंह में जा रहा है। रानी माँ नहीं, मेरे होते हुए राजू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं हूँ ना, देखिए आप मत रोइए प्लीज, आप मत रोइए। डॉक्टर मैं आपका खून चेक करना पड़ेगा, आइए मेरे साथ। चलिए मुबारक हो रानी मां, राज साहब बच गए। हाँ, मुबारक का असली हकदार तो ये है। तेरे एहसानों का ये बोझ मैं कैसे उठाऊंगी बेटे, कैसे उठाऊंगी। नहीं माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था।
दादाजू कैसा है तू बेटा? आज रवि ने अपना खून देकर तुझ पर ही नहीं हमारे खानदान पर एहसान किया है। उसने नई जिंदगी दी है तुझे। रानी मां, रवि आप आराम कर लीजिए। कितनी थक गई हैं आप, राजू को मैं संभाल लूं। नहीं बेटे, आपको मेरी कसम, आइए आइए। रवि, रवि मैं तेरा ये एहसान, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया राजू। मैंने तुम्हें खून सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वरना तुम खून तो क्या, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। आज मेरी मां तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश है, बहुत खुश, और उसकी खुशी के लिए मैं खून तो क्या, अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम खून तो क्या, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। राजू, कौन है, कौन हो तुम? मैं जमीर हूं राजू, जिसे तूने अपने हवस के मलबे पर लटकाकर मार डालना चाहा, लेकिन मैं तेरे हवस के मलबे पर लटक कर अब भी जिंदा हूं। मैं जमीर हूं राजू, जो वक्ती तौर पे दब तो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। देखा उस शरीफ इंसान के खून का करिश्मा, जो बेमर्जी होकर भी तो जैसे लालची और खुदगर्ज इंसान को जिंदगी दे जाता है। अरे तू क्या जाने शराफत और इंसानियत क्या होती है, क्योंकि तू तो दो हवस परस्त इंसानों की वासनाओं की गर्मी से टकराने वाले लहू का नतीजा है, जिसे खुद जन्म देने वाली गुनाह समझकर गंदगी के ढेर पर फेंक जाती है। अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या होती है राजू, तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है कलंक। अगर तुझ में अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो चुका दे उस एहसान को, उतार दे उसका कर्ज, बता दे उस मां को कि तू कौन है, वरना याद रख मरने के बाद भी तुझे सुकून नसीब नहीं होगा, तुझे सुकून नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा आज ही, अभी इसी वक्त चुकाऊंगा। ब्रदर क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि जब मौसम बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। लगता है राजू भी बदल गया। वो कैसे? राजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन उसने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया। जुगनू, हाँ? राजू को फोन लगा। जी हेलो। हाँ हाउ आर यू? जिंदा हूं। हाँ राजन साहब आपसे बात करना चाहते हैं सर। हेलो राजू। हाँ जी सुन रहा हूँ। राजू कैसी तबीयत है अब? मेरी तबीयत की बड़ी फिक्र है आपको। अरे क्यों ना हो, आखिर तुम हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो ना। ऐसे क्यों कह रहे हो राजन साहब? जब मैंने मुर्गी को ही मार डाला तो सोने के अंडे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज के बाद भूल कर भी यहां फोन मत करना, और यह भी भूल जाना कि एक राजू नाम के आदमी से आप मिले थे। अच्छा, हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं, इसका अंजाम जानते हो? अब अंजाम की किसे फिक्र है मिस्टर राजन, जिस राज से तुम मुझे डराया करते थे ना, वो राज तो आज मैं खुद रानी मां को बता दूंगा। गुड बाय मिस्टर राजन। शांता जी साहब, मां आ गई? वो तो बोर्ड की मीटिंग में गई है, रात को आएंगी। ठीक है। हेलो राजू, ये मत भूलना कि तुमने जिस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे वो अभी भी मेरे पास है। मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ मैं। अब तुम्हें दुनिया की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। क्या हुआ ब्रदर? खेल खत्म हो गया है। खेल खत्म नहीं हुआ है ब्रदर, खेल अब शुरू हुआ है।
देखिए मैं क्या खेल खेलता हूं। क्या मतलब? अरे बकरी का बच्चा उठा लो, बकरी खुद ब खुद आ जाएगी। तेरा बाप वाडेकर, बहुत रोमांस कर लिया बेटा, चल अभी। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुझे पुलिस इंक्वायरी रूम में जाकर बताऊंगा, सीधी तरह से चलता है या फिर। रवि, 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 चलो तू भी। नहीं, चल। Don't touch me, you bastard. चल तुझे आज। छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ। अरे चल। अरे तुझे कौन बचा पाएगा जानी? मुझे, बचाओ मुझे, छोड़ दो ना, रवि। बोलो अब्दुल। रानी माँ, आचार्य जी आए थे, काफी इंतजार करके चले गए। अच्छा ठीक है। हेलो, कौन? आचार्य जी, मुझे अफसोस से आपको काफी देर इंतजार करना पड़ा। आप ऐसा कीजिए ना, आप अभी आ जाइए। कल नहीं, कल की फ्लाइट से मैं लंदन जा रही हूं। ठीक है, ओके। रानी माँ। राज, क्या तुम्हें भी मुझे रानी माँ कहने की जरूरत महसूस होने लगी है? हाँ रानी माँ, इसलिए कि मैं अब आपको और धोखा नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। राजू, ये सब मैंने रवि के कहने पर किया रानी माँ। आज मेरा जमीर मुझे धुतकार रहा है, मैं आपसे सच नहीं छुपा सकता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। जलील कमीने, एक माँ के विश्वास के साथ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये किस जन्म का बदला लिया है तूने मुझसे, बोल। ऐसी कौन सी वजह थी जो मेरी ममता के साथ मजाक किया तुमने, खिलवाड़ किया है मुझसे, बोल। मजाक उड़ाया है मेरा, बोल। मारो रानी माँ, और मारो, इतना मारो कि मैं मर जाऊं। तू तो जीने के काबिल है ही नहीं, दुनिया ने तो मेरा धन लूटा मगर तू, तूने मेरा भरोसा लूटा है जलील कमीने। रानी बहन, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे नहीं रानी बहन। रानी बहन, आचार्य आप, आपने भी मेरे साथ विश्वासघात किया, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का जो मेरे साथ ऐसा किया? ये सब हमने आपके बेटे के कहने पर ही किया रानी बहन। मेरे बेटे के कहने पर? फिर झूठ। रानी बहन, मैं अपने जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ हमने किया है आपके बेटे के कहने पर ही किया है। मेरा बेटा? कौन है मेरा बेटा, बोलिए ना आचार्य, कौन है मेरा बेटा? रवि। रवि? हाँ रवि, वो रवि जो आपके हर आंसू पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहता है, मजबूर था। एक तरफ वो मां जिसने जन्म तो नहीं दिया पर जीवन दिया है, सारी जिंदगी अपने सीने से लगाए रखा, उसका कर्ज चुका रहा था। दूसरा, सारी दुनिया में बदनाम रवि जिंदगी भर अपनी मां को मां कहने से महरूम रहा, क्योंकि अगर वो आपको मां कहता तो कोई भी नहीं मानता। रानी बहन, शायद आप भी नहीं मानती। इसने तो अपना फर्ज निभाया है। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। कैसी बात कर रही हो रानी मां, ये तो मेरा फर्ज था। हेलो, आपका बेटा हमारी कैद में है। नहीं, अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो। तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस 5 करोड़ रुपए ले आओ और अपने बेटे को ले जाओ। तुम जहाँ कहोगे रुपया पहुँचा दिया जाएगा, मगर तुम मेरे रवि को कुछ मत करो, मैं खुद ला कर दूंगी। वर्सोवा रोड पर काली कार आपको खड़ी मिलेगी, उस कार में रुपयों से भरा बैग रख देना। कार का नंबर ध्यान से सुन लीजिए, MMD 5364, MMD 5364। ठीक है। राजू, दीवान जी से कहकर 5 करोड़। नहीं रानी माँ, 5 करोड़ तो क्या, उस कमीने को 5 पैसे नहीं देंगे। मैं वचन देता हूँ कि आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आऊंगा। रुक जाओ राजू, तुम नहीं जानते वो लोग कितने खतरनाक हैं। उस सांप के हर बिल से मैं वाकिफ हूँ।
मेरे आदमियों को जो तूने तकलीफ दी है उसकी सजा तो मैं तेरे हाथ पैर काट के तुझे दूंगा। मगर इंतजार है, इंतजार है उस बुढ़िया का जो तेरी चंद सांसों के लिए मुझे 5 करोड़ देने आ रही है। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत बहुत बड़ी होती है राजन। देखते हैं आज तुझे कौन बचाने आता है। एक बात याद रखना, आज जो भी तुझे बचाने आएगा उसका हश्र भी मैं वही करूंगा जो आज से 25 साल पहले मैंने तेरे बाप का किया था। क्या? तूने मेरे बाप को मारा था? बोल राजन हरामजादे, तूने मेरे बाप को मारा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, मेरे आदमियों ने। लेकिन आज तुझे मैं मारूंगा, भगवान भी नहीं बचा सकेगा तुझे। और कोई? ओ, यहां तो सारे कमीने इकट्ठा हुए हैं। अच्छा हुआ तू भी आ गया शिवा, हिसाब किताब तो तुझसे भी करना है। सब चुका देते हैं सब। अरे कौन किसका कर्जदार है यह अभी मालूम हो जाएगा, लेकिन तू गवाह रहना राजन। क्यों? आप लोग कहते हैं कि पुलिस क्लाइमैक्स के बाद आती है, लेकिन हम पहले ही आ गए। अब देखना हमारा जलवा है। ए राजू, चल शुरू हो जा। तुझे कुछ बीमारी है? नहीं तो। मेरी है, अब मैं उससे अंडे निकालता हूं। कमिश्नर, अरे अपना नहीं तो उस ओदे का ख्याल रखता जिस कुर्सी पर तू बैठा है। आए बेबी। थैंक यू सर। और कोई बचाए?
कमिश्नर, हैं? तेरे जैसे बदमाशों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। सीधा खड़ा रह जा। अब तो तू ठीक है। आपके डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं, फाइटर। गया हमारा डिपार्टमेंट। चलो अच्छा हुआ, पकड़ लो सबको। अगर किसी ने होशियारी की तो रानी मां का भेजा उड़ा दूंगा। फेंको हथियार, हथियार फेंको। गलती की मैंने, जो आज से 25 साल पहले तेरे बाप के साथ तुझे भी नहीं मार डाला। खैर कोई बात नहीं। खबरदार राजू, राजू राजू, तू मेरी खातिर अपनी जान दे रहा था। रानी मां, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रहा आपका बेटा। राजू अपनी मां को छोड़कर जा रहा है। पच्चीस साल पहले मेरा एक बेटा खोया था, मगर आज मुझे दो बेटे मिल गए हैं। और रानी मां, वो भी दो दो बहुओं के साथ। अरे ये मारामारी के चक्कर में आप लोगों को तो मैं भूल ही गया। देखा हमारा जलवा, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा। बाय।